देखा था वीएलसी एक्सप्रेस, और वीएलसी एक्सप्रेस में हमारे पास जो महाराज जी है वो बहुत सुंदर जहाँ पर कथा होते वहाँ पारायण के काम करते है, और पारायण के काम महिमा ही हम महाराज जी से जानते हैं, उनका नाम पता कहाँ से आए और अभी तक कतका पारायण अपन अपन जिंदगी में कर चुके हैं, एक बारे में मन आओ जानते हैं सब जन मिलके। महाराज जी सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है, पहले आप मन अपन नाम बताओ। राधे राधे, मोर नाम कन्हैया मिश्रा है, मैं खान खबरिया मिली था। आप मन है कब से पारायण के जो काम थे आप करा था? मैं अपन दीदी साथ 7 साल हो गए पारायण करा थे, मोर दीदी जहाँ जहाँ भागवत में जाते ना मैं वहाँ वहाँ पर था पारायण के काम में करते। पारायण के काम महिमा है? पारायण ऐसे है कि भागवत जब चला थे ना तो भागवत के जितने भी दृष्टांत थे बोला करना एकदम अनिवार्य थे, और वो सिर्फ पारायण में ही हो सकते। अगर कोई आदमी भागवत करत है अगर साथ में उसका पारायण नहीं होते तो फिर कोई भी मायने नहीं रखे, तो हमेशा भागवत के साथ पारायण होते हमें पारायण संस्कृत में करना अनिवार्य थे। ज्यादातर हमारे जो छत्तीसगढ़िया है या हिंदी भाषा भाषी मन है तीन संस्कृत में नहीं समझे, लेकिन पारायण जो होते पूरा संस्कृत में होते तो हिंदी में समझे और क्या करे लगे बोला हिंदी में समझे के लिए ही भागवत कराए जाते हैं। वो एक आदमी हमें हमेशा पारायण में बैठी रही और साथ में होकर भागवत चलते थे, जो हमें संस्कृत में जो बताता ना ओकर अनुवाद था, उन 7 दिन तक के जो भागवत करने वाला थे वो भागवत के जरिए ओकर अर्थ ना बताते। अच्छा, जो पारायण आप मन संस्कृत में बोलते हो ओला कथावाचक था, ओला हिंदी में अनुवाद करके बताते हैं, ओकर आगे बताते हैं। तो अभी तक महाराज जी अपन कहाँ कहाँ अपन उपस्थिति दर्ज करा चुके? मैं अपन दीदी का अभी तक के राजनांदगांव चले गए हूँ, बादल किला चले गए हूँ, गुंडरदेही से अभी हमन वापिस आए हैं, फिर ओकर बाद यहाँ ग्रुप में करे हैं, एक बाद हमन अभी राजनांदगांव फिर जाने वाले हैं, एक बाद फिर हमन रायपुर के लिए रवाना हो, और अभी हमारे कहना इटारसी भोपाल के खबर भी आए की वहाँ एक बार हमन बांकी बिहारी के कथा सुनाना है। कलयुग में पारायण सुने के भी कुछ बहुत बड़ी विशेष महत्व, विशेष महत्व तो कैसे टाइप में विशेष महत्व है? एक तो ऐसे है कि भागवत है कि मतलब आदमी भागवत कराना अनिवार्य है अपन जिंदगी में। कई आदमी तो ये बोलते कि मन एक बार भागवत कराना चाहिए, लेकिन आदमी ला अपन जीवन में एक बार जरूर भागवत सुनना चाहिए, क्योंकि ये भागवत मोक्षदायिनी कथा है। एला आदमी सुन के भवतरणी जो नदी थे ना उला पार हो जाते और हमेशा भगवान के धाम में मौजूद रहते, ओकर बाद भागवत सुनने के बाद कभी भी आदमी अपन मनुष्य योनि में दोबारा पैदा नहीं हुआ, यही भागवत के विशेष महत्व है। भागवत में एक तो गीता सार चल जे में कथे कि जो होई सो अच्छा होई, जो होई तो अच्छा होई, जो होने वाला वह अच्छा होई, तो एक विशेष महत्व काबर बोलते कि जो भागवत के जो गीता जो सार है कटिंग कर जो भागवत में गीता सार है वो गीता सार में जैसे कि कल आज हुआ आज जो हुई अच्छा हुई जो आने वाले समय में अच्छा हुई एक का महत्व है। गीता के ये महत्व है कि हमेशा आदमी का अपन घर में गीता रखना चाहिए और नित्य प्रतिदिन गीता के 2-3 श्लोक के पाठ करना चाहिए। जो भी आदमी गीता के रोज 2-3 श्लोक के पाठ करते वो हमेशा भगवान के समीप रहते, और अभी के जिंदगी में आदमी का अपन घर में से बहुत जुड़े रहना चाहिए कि वर्तमान स्थिति में कलयुग केवल नाम आधारा तुम्हारे तुम्हारे नारे उतर ही पा रहा, तो कलयुग में आदमी जब भी आदमी इतना तो टाइम नहीं है कलयुग में कि आदमी भगवान दिन भर भगवान की पूजा पाठ कर सके, दिन भर पूजा पाठ कर सके, सिर्फ भगवान के नाम लेना है और कलयुग के ये जो छोर है उसे पार होके आदमी वैकुंठ के धाम में भगवान के धाम में जा सकते, यही गीता के मेन सार है। कोई भी कथा न सुनने पर एक बहुत बड़े पंडाल के व्यवस्था करे लगते, फिर वो बहुत खर्चा आ जाते, लेकिन एक आम आदमी के पास वो खर्चा करे के ओकर पास वो पैसा नहीं हो, जेकर कारण से वो कोई भी कथा ला करवाए पर या सुने पर वंचित रह जाते, लेकिन लोगन के अंदर रहते कि वो कथा ला सुने लेकिन उन्हें खर्चा बहुत आती तो वो खर्चा के वहन नहीं कर सके और वो पूजा स्वयं भी नहीं कर सके, तो एक दूरी जो भक्त और भगवान के बीच की जो दूरी है तेला एक आम आदमी कलयुग में कैसे दूर करिए? ओखर यही दूरी है कि भगवान के आदमी निरंतर ध्यान करे, अपन घर में गीता पाठ करे, और हमारे यहाँ हमन जो भागवत करथन ओमा हमारे मन के भागवत की कोई डिमांड नहीं है, आप अपने घर में मस्त से पंडाल लगवा लीजिए, आप अपने घर में थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए और हम लोग भगवान को घर में लेके आ जाते हैं, हमारा कोई भी यहाँ डिमांड नहीं रहता, आप जैसे स्वेच्छा से जितना धन है जितना संस्कृति है जितना भक्ति है उसके हिसाब से आप भागवत करा सकते हैं। कलयुग में संस्कार सभ्यता और संस्कृति तो खत्म हो जाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भी संस्कार हीन हो जाते हैं आजकल के कलयुगी लेकर माना, ओकर बारे में आप महाराज कुछ कहना चाहो? ओकर बारे में ये कहना है कि आप जिस भी
फील्ड में जुड़े हो, चाहे आप मोबाइल चलाते हो या आप कहीं घूमे जाते हो या कहीं दोस्त के साथ रहते हो, हमेशा जो भी आप काम करते हो अगर साथ में थोड़ा सा भगवान के धाम कर लो, भगवान के थोड़ा पूजा कर लो, कहीं भी जाते हो तो आप घूमे भी जाते हो तो घूमे की जगह जगह जाते हो, जो जगह में कहीं मंदिर है भगवान के दर्शन कर लो। अगर मोबाइल भी अगर आप दिन भर चलाते हो मोबाइल, कोई बात नहीं मोबाइल चलाओ, लेकिन मोबाइल चला साथ भगवान के उमा थोड़ा भजन सुन लो, भगवान के भक्ति कर लो, ओकर बात आप ना कुछ करे की जरूरत नहीं है। अभी तो संस्कार से सब लड़का मन भागत जाते, कंझट लगत आजकल के लड़का मन, ओकर बारे का कहना? ओकर बारे में कहना भी कि आप अपन माता पिता जो सिखाते और अपन माता पिता आजकल के लड़का मन तो माता पिता के बात नहीं माना, माता पिता बात नहीं माना ठीक है ना, मोबाइल के बात मानत ना लड़का माना, तो मोबाइल में कहा था मोबाइल में दुनिया भर के आनी बानी के विज्ञापन भरे थे, मोबाइल में दुनिया भर के आनी बानी के विज्ञापन भरे, ओला छोड़ दो और अपन धर्म मानो, काबर सबरे तुम्हारे स्कूल जाते हो अभी इंग्लिश मीडियम में, वहाँ ला तो मोबाइल धरे वो इंग्लिश मीडियम में, तो तुम अपन धर्म कब सीखू? लेकिन मैं ये कहा था कि इंग्लिश मीडियम में भी ऐसे होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए जेमा हमारे धर्म के बारे में थोड़ा जानकारी देवे और पढ़ावे, और साथ में जिन मोबाइल धरे तो उमा भी थोड़ा भक्ति भाव के भजन सुनो और थोड़ा भगवान के उमा निरंतर पाठ करो, तभी आप मन की जीवन आगे बढ़ी और यही जीवन के मेन उद्देश्य है। कितनों भी कर लो कमा लो नौकरी लगे, अगर भगवान के आप नाम नहीं लेते हो, भगवान की पूजा पाठ नहीं करते हो, तो ऊपर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, अपन जगह बना के यही विशेष महत्व है। अगर मनुष्य योनि आदमी ला एक बार मिलते मनुष्य योनि, और मनुष्य योनि यही बार मिलते कि आदमी अपन जितना भी 64 लाख योनि में जो कर्म करे थे वो मनुष्य योनि में भगवान ये बना के भेजे थे कि ये योनि में थोड़ा बोले सिखाए हो, थोड़ा मनन करे सिखाए हो, थोड़ा श्रवण करे सिखाए हो, तो एक जरिए अपन जो पाप करे है ओला पुण्य में बदल के लास्ट में भगवान घर जावत, तो भगवान घर तोला भगवान अच्छा से अपन स्वागत स्वागत सत्कार करके अपन कना रखे, काबर की मनुष्य योनि के बाद आदमी महाराज जी मैं आपके बात न कर रुका था, बहुत अच्छा बात बोला था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार है तो इंग्लिश मीडियम आत्माराम स्वामी आत्माराम स्कूल तो खोल दे जो अंग्रेजी फराटा था आजकल लेकर अपन बोला थे, लेकिन संस्कृत के विषय जो होते संस्कृत विद्यालय है सब बंद हो जाते, तो आप छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ बारे में बोलना चाहो कि छत्तीसगढ़ में संस्कृत स्कूल होना चाहिए? छत्तीसगढ़ में संस्कृत के एक स्कूल नहीं हो गए वो तो नहीं हो सका, ये तो मैं भी जान रही हूँ कि छत्तीसगढ़ में संस्कृत के स्कूल खरीद कोई लेकर पढ़े नहीं जावे। हाँ इतना हो सकता है कि जो पढ़ा थे जो सब्जेक्ट जिसे 6 सब्जेक्ट है 7वां सब्जेक्ट संस्कृत का जोड़ दे या 7वां सब्जेक्ट तो धर्म के कोई भी ग्रंथ के एक कहानी जिसे हमें लेकर रहा तो छोटे छोटे हमें लेकर जब पुस्तक पढ़े पाठशाला हम जब 5वीं तक के तो हम कई ऐसे सब्जेक्ट रहे जिसमें ध्रुव कथा बतावे प्रहलाद के कथा बताए। आज भी मैं सब गुरु जी मैं एक कि अपन वाणी में जितना धर्म के बारे में जानते हो उतना एक सब्जेक्ट या एक मतलब सब्जेक्ट रहना चाहिए ओकर जरिए धर्म के बारे में बताए। गुरु जी मन से मोर साक्षात निवेदन है कि अभी तो पाठ्यक्रम जो पुस्तक ला हमन पढ़ के अभी अटका बढ़ बाढ़े हैं, आप मन भी जब देखे हो भक्ति के पद मीराबाई के कहानी है ना दोहा जितना भी रही से वो पाठ्य पुस्तक से खत्म हो गए, तो क्या सरकार से गुहार लगाना चाहूँ कि जो हमारे धर्म संस्कृति है ओकर बारे में भी दूसरा समुदाय के जो पाठ्यक्रम हावे तो जो हमारे कम कर दे या समाप्त कर दे, तो का हमारे जो भाषा भाषी के जो रहे संस्कृति ओला का पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल ये है कि हमारे धर्म धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और हमारे धर्म में नाना प्रकार के धर्म जुड़ जाते हैं, लेकिन आज भी हमारे जो हिंदू धर्म है वो सबसे आगे है। हमारे सरकार से ये निवेदन है कि एक बार हमारे जो धर्म के जो कथा है हमारे जो धर्म के कथा है वाला बच्चा मन जब तक के नहीं सीखी आगे जो हमन तो खैर पूजा करते हमारे के बाद अब ऐसे लगा थे कि हमारे आगे वाले पीढ़ी भगवान के नाम ना जानी कि ओकर फोटो देखी तो भगवान ने की है नहीं पहचानी नहीं, तो मैं सरकार से निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमारे धर्म आगे बढ़ाए के लिए हर पाठ्य पुस्तक में शुरू के जिन पन्ना है जेमा भगवान के फोटो और लास्ट पन्ना में भगवान के फोटो रहना चाहिए, और एक सब्जेक्ट जरूर धर्म से जुड़े हुए एक सब्जेक्ट के विषय रहना चाहिए, चाहे वाला खाना शुरू में पढ़ावे चाहे लास्ट में खेले कूदे टाइम रहे उसका टाइम पढ़ाए, ये जरूरी है कबर की हमारे धर्म धीरे धीरे इतना खत्म हो जाते कि कुछ दिन के बाद लड़का आप लगते हैं कि सरकार हमारे मन के बात बिल्कुल सरकार हमारे जब सब बात ना माना थे जब किसान के बात ना माना थे बड़े बड़े व्यापारी मन के बात ना माना थे बड़े बड़े उद्योगपति बात माना थे एक ब्राह्मण के एक गरीब ब्राह्मण के बात ना मानना बोला फर्ज बनते और मोर ये इच्छा है कि हमारे बात ने मानना चाहिए। महाराज जी आपके मुखाग्र से ना एक ठोना कोई भी दोहा जो मतलब अभी चला थे जहाँ अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अभी जैसे चला थे वैसे टाइप में एक आध ऐसे चौपाई सुना दूं कि हमारे दर्शक बहुत खुश हो जाए। मैं अभी अपन बाकी बिहारी के दोहा सुनाता हूँ।
कस्तूरी तिल कमललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्ति करतले वेणुं करे करतले सर्वांगे हरिचंदनम सुललितां कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्ट विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये कृष्ण भगवान के कृष्ण भगवान खुश करे के बहुत ही अच्छा दोहा है। एला अपन नित्य प्रतिदिन सवेरे उठो नहा धो के आप दिन भर में दिन भर के आपके समय खाना पीना रहना कुन्ना फिरना कमाना धमाना में लेकिन 5 मिनट भगवान के लिए जरूर निकालो। ये सब धर्म के लिए कहा तो ऐसे नहीं कहा तो कि हिंदू धर्म जो भी धर्म के जो भी भगवान आपला पैदा करे आपला सिर्फ के लिए पैदा करे कि भगवान के भजन करे बस। अगर 5 मिनट भी आप भगवान के भजन नहीं करते हो तो आपके मनुष्य योनी बहुत ही बेकार है। तो आपला 5 मिनट भगवान के जरूर ध्यान करना चाहिए। तो जो भी हमारे कलयुग में जो तकलीफ आती है और भगवान हमारे चुटकी में हल ली मुझे कहना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपके। ये रही से महाराज के साथ हमार एक भेंट जहाँ पर महाराज जी बताइस भी हमार जीवन में पारायण के का महत्व है हमार परिवार ला हम बहुत अच्छा रखे बर अपन संस्कार कैसे देन हमार संस्कार हमार संस्कृति हमार हाथ है जेकर बारे में महाराज बताइस है। बहुत अच्छा व्याख्या के साथ हमार महाराज जी का धन्यवाद देता और बने रहो वीएलसी एक्सप्रेस में और खबर के लिए। तब तक के लिए जय जोहार।